आपका स्वास्थ्य और मलेरिया रोग। श्याम भाई आओ, बड़े दिनों बाद आना हुआ, कहाँ है हो? क्या बताएं, बहुत दिन से छुट्टी नहीं मिल पा रही थी काम से, आज जरा खेत से जल्दी निकल पड़ा तो सोचा अपने यार से मिल ले। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, आओ बैठो। बैठो श्याम बाबू बैठो। अरे बबलू की माँ श्याम आया, जरा पानी वानी लिया। और सुना रण सिंह भाई, फसल के क्या आसार है? देखो श्याम, भगवान की कृपा रही तो फसल तो खैर इस बार अच्छी हो जाएगी। हाँ भगवान की तो कृपा है ही, वो बबलू कहाँ है दिखाई नहीं दे रहा? घर में ही है। असल में क्या है कि उसकी पिछले कुछ दिनों से तबीयत बहुत खराब है, अब दवाई ववाई सब दे रहे हैं लेकिन कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। और ये मच्छर इतने हो गए कि मैं क्या बताऊँ, नाक में दम कर रखा। नाक में दम की बात करते हो, इन मच्छरों के मारे तो रातों में सो भी नहीं पाते। ठीक कह रहे हो यार। कौन? राम राम भाभी। राम राम। और सुना क्या हाल है? ठीक है। ये रण सिंह बता रहा था बबलू की तबीयत बहुत खराब है, क्या हो गया? पहले तो जोरों से ठंड लगती है, इतनी ठंड कि चार पांच कंबलों से भी दूर नहीं हो पाती। अरे इतनी गर्मी में ठंड? फिर तेज बुखार हो जाता है, पसीना इतना निकलता है कि सारी चादर पसीने से भीग जाती है। तो फिर कुछ इलाज विलाज किया कि नहीं? दवाइयाँ तो कई दी, काढ़ा पिलाया, तुलसी के पत्ते चबाने को दिए, जब इनसे कोई फायदा नहीं हुआ तब इनसे गोली लाने को कहा। भोलू पंसारी ने गोलियाँ दी थी और कहा था कि दो तीन दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो कोई फर्क पड़ा नहीं। अच्छा चलो देखते हैं। चलो बबलू बेटा आंखें खोलो, देखो काका आए हैं। अरे नहीं नहीं भाभी, सोने दो इसे, काफी कमजोर हो गया है ना। देखिए ना क्या सूरत बनाई है। अरे इसे तो काफी तेज बुखार है। रण सिंह भाई मेरी मान, इस भोलू पंसारी का पीछा छोड़ और डॉक्टर साहब को लिख बुला ले। हाँ हाँ भाई साहब ठीक ही कहते हैं, आप जल्दी से जाइए डॉक्टर साहब को बुला लाइए। ठीक है चलो। बुखार कितने दिनों से? जी यही कोई 7-8 दिन से है डॉक्टर साहब। पहले उसको बहुत जोर की ठंड लगती है, फिर गर्मी लगती है और फिर खूब पसीना आता है। बुखार बहुत तेज है, लगता है इसे मलेरिया हो गया। मलेरिया? घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ये बताओ इसको कोई दवाई वगैरह दी थी? जी हाँ, वो भोलू पंसारी ने कुछ गोलियां दी थी, वही दे रहा हूँ डॉक्टर साहब। भोलू पंसारी, खैर कोई बात नहीं, मलेरिया का सही पता लगाने के लिए खून की जांच करनी पड़ेगी। खून की जांच? लेकिन लेकिन इसके लिए तो शहर जाना पड़ेगा ना डॉक्टर साहब, और पैसा भी बहुत खर्च होगा। मुझे इतना पैसा कौन देगा डॉक्टर साहब, मैं इतना पैसा कहां से लाऊंगा? और फिर इतने छोटे से बच्चे का खून? रण सिंह इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं, ना तो तुम्हें शहर जाना पड़ेगा और ना ही तुम्हारा कोई पैसा खर्च होगा। ये सारी सुविधाएं आजकल सरकार ने हर अस्पताल में मुफ्त दे रखी है। खून की जांच मैं यहीं पर करूंगा।
और रही खून की बात, खून तो बस चाहिए इतना सा। कल तक खून की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद ही ठीक से इलाज कर पाऊंगा। ऐसा करो, अभी ये गोलियां इसको दे दो, इससे इसका बुखार कम हो जाएगा। और हाँ, कल इसे अस्पताल जरूर लाना। जी। अरे श्याम, मेरा डॉक्टर साहब को छोड़ा। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है बच्चे? जी अब बुखार तो पहले से काफी कम है। गुड, खून की रिपोर्ट भी आ गई। जी बच्चे को मलेरिया है। घबराने की कोई बात नहीं, मैं ये दवाइयां लिखे दे रहा हूं, आप ये दवाइयां डिस्पेंसरी से ले लीजिएगा। जी। और आज से ही बच्चे को दवाई देनी शुरू कर दीजिएगा। जी डॉक्टर साहब। एक बात का ध्यान रखना कि बच्चे को दवाई खाली पेट नहीं देना है। जी। 5 दिन लगातार दवाई खाने से बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पर याद रखो जी, किसी भी बीमारी के इलाज में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बीमारी का इलाज समय पर और डॉक्टर से करवाने से आप बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं और मरीज को भी कोई खतरा नहीं होता। जी डॉक्टर साहब, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। मलेरिया रोग की क्या पहचान होती है? पहले मरीज को काफी ठंड लगती है, ठंड से तेज कंपकंपी उठती है, उसके बाद मरीज को तेज बुखार आता है, गर्मी लगती है, साथ में ही सर में दर्द शुरू हो जाता है, पसीना आता है और पसीने के साथ ही बुखार कम हो जाता है, बाद में मरीज को काफी कमजोरी महसूस होती है। डॉक्टर साहब, ये मलेरिया रोग हो कैसे जाता है? मलेरिया रोग कीटाणु से होता है। ये कीटाणु मलेरिया के रोगी में पाए जाते हैं। मच्छर जब रोगी को काटने के बाद एक स्वस्थ आदमी को काटता है तो ये कीटाणु स्वस्थ आदमी के खून में चले जाते हैं, जिससे उसे मलेरिया रोग हो जाता है। डॉक्टर साहब, क्या मलेरिया सभी को हो सकता है? हाँ, मलेरिया किसी को भी हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या मलेरिया रोग से आदमी मर भी सकता है? मलेरिया रोग के कीटाणु मरीज के खून को कम कर देते हैं, जिससे मरीज और भी रोगों का शिकार हो जाता है। इसके अलावा मलेरिया रोग के तेज बुखार से मरीज की दिमागी हालत को नुकसान पहुंच सकता है। अगर मरीज का समय से इलाज ना किया गया तो मरीज मर भी सकता है। क्या मलेरिया की रोकथाम का कोई उपाय नहीं है? जरूर है। इस रोग की रोकथाम के लिए मच्छरों का खत्म होना बहुत जरूरी है और मच्छर सिर्फ DDT से ही खत्म हो सकते हैं। DDT मच्छर मारने की एक दवाई होती है। जी। जिसका छिड़काव घर के हर कोने दीवारों पर करने से जहां के मच्छर अमूमन बैठे रहते हैं इस दवाई से मर जाते हैं। DDT के छिड़काव के साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम सफाई का पूरा ध्यान रखें। हम अपने घर के आसपास कूड़ा करकट, गंदगी और पानी आदि जमा ना होने दें। पानी से मच्छर पैदा होते हैं और मच्छर मलेरिया रोग को फैलाते हैं। मलेरिया डिपार्टमेंट की तरफ से DDT का छिड़काव हर गांव के हर घर में मुफ्त किया जाता है। मलेरिया डिपार्टमेंट के आदमी DDT के छिड़काव के साथ साथ मलेरिया रोग की पूछताछ भी करते हैं और मरीजों का पता लगने पर घर आकर दवाई मुफ्त दे जाते हैं, जब तक मरीज ठीक ना हो जाए। ये तो सचमुच बहुत बड़ी गलती होगी डॉक्टर साहब। अभी कुछ दिन पहले कुछ आदमी आए थे और कह रहे थे कि कुछ दवाई का छिड़काव करना। मैंने उन्हें ये कहकर भगा दिया कि अभी हम मेले में जा रहे हैं, बाद में आना। बहुत बड़ी गलती हो गई डॉक्टर साहब। राम सिंह भाई, आज ही पंचायत बुलाओ, गांव के सब लोगों को मलेरिया रोग के बारे में बताएंगे, मलेरिया से बचने के उपाय के बारे में बताएंगे, गांव में सफाई और DDT के छिड़काव के बारे में बताएंगे, ताकि अगली दफे जब मलेरिया डिपार्टमेंट के लोग आए तो गांव के लोग उनका सहयोग करें और मलेरिया रोग के बारे में बताएं, गांव में सफाई करें और DDT का छिड़काव करवाएं। इससे गांव के लोगों की जान बचेगी भाई। मलेरिया रोग कभी कभी घातक भी हो सकता है।
मलेरिया रोग से बचने के लिए आप अपने घर के आसपास की जगह हमेशा साफ रखें। कूड़ा करकट, गंदगी और खास तौर से पानी घर के पास जमा ना होने दें। पानी पर मच्छर पैदा होते हैं और पनपते हैं। इन्हीं मच्छरों के कारण मलेरिया रोग फैलता है। याद रखिए, दूषित वातावरण सब बीमारियों का कारण है। अगर आपके घर में या आस पड़ोस में किसी भी व्यक्ति को बुखार हो तो मरीज को फौरन गांव के दवा बांटने वाले केंद्र में ले जाएं, जिन्हें ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कहते हैं। यह केंद्र मलेरिया विभाग द्वारा स्थापित किए गए हैं। यहां पर बुखार की दवा मुफ्त बांटी जाती है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर यानी कि DDC की जानकारी के लिए आप अपने गांव के प्रधान से मिलें। घर घर में DDT का छिड़काव, खून की जांच और मुफ्त इलाज की सुविधाएं मलेरिया विभाग की तरफ से आपको उपलब्ध कराई गई हैं। आप इनका पूरा लाभ उठाइए। मलेरिया रोग से आपको बचाने के लिए अपना सहयोग हमें दें।